तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एटक के महासचिव यानी कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा हैं और इनके साथ साथ आशा कार्यकर्ताएँ हैं, आशा फैसिलिटेटर है और कुरियर संघ है, ठीक है। यानी कि ये तीनों संघ जो है मिल करके और सीधे अब जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधने चली है। यानी कि अब इनकी लड़ाई केंद्र सरकार से होगी, राज्य सरकार से लड़ाई करने के बाद अब ये सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर है। इनकी लड़ाई जो है अब केंद्र सरकार से चलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आज जो है अगर बात किया जाए, एक मैंने जो डेटा यूज किया है, ठीक है, जिस डेटा को मैंने प्राप्त किया है, तो मुझे उस डेटा से पता चला है कि लगभग 70% आशा कार्यकर्ता, या फिर 70% से भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि 70% से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता इसी एटक के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में हैं, ठीक है। तो आज यही कौशलेंद्र कुमार वर्मा सर जो हैं एटक के जो महासचिव हैं, जो कि लगातार इनका कहना है कि हम लोग लगातार जो है आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते आए हैं और इनको कई जो है लाभ हम लोग दिलाते आए हैं, आज भी जो है इन्हीं की मांगों को लेकर लगातार हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आज भी जो है हम लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं की मांगों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और इनका कहना ये भी है कि जो 3000 मानदेय की बात हुई है, तेजस्वी यादव ने कहा है उसका मानदेय पत्र जारी नहीं होगा, तो हम लोग 3 सितंबर को फिर से जो है पटना के अमरनाथ रोड में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जहां पर जो है प्रखंड के अध्यक्ष सचिव को पहुंचना बहुत ही अनिवार्य होगा, ये उन्होंने कहा था। तो अगर आप भी प्रखंड के अध्यक्ष सचिव हैं तो आप ज़रूर पहुँचें,